सो हे गाइज व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रांतिक एंड यू आर वाचिंग द रेड राइडर। आज है संडे 6 फरवरी एंड कल जैसे कि मैंने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया था। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एंड अभी मैं थोड़ा जीटी निकालने वाला हूँ, तो इसको निकाल के थोड़ा जाएंगे कहीं पे। तो कहाँ पे जाएंगे वो सीधा मोटोव्लॉग पे बताएंगे आपको। सो बिना देरी किए चलते हैं, पहले जीटी को निकालते हैं, उसको वार्म अप करते हैं। सो गाइज अभी मैं तैयार हो चुका हूँ एंड चलिए अभी बाइक को पहले कोल्ड स्टार्ट दे देते हैं। तो चलिए अभी इसको वार्म अप होने देते हैं, मैं ग्लव्स वगैरह पहन लेता हूँ, फिर हम लोग निकलते हैं। 12:45 ऑलमोस्ट। ओए होए होए गाइज, कमेंट करके ज़रूर बताओ पेट्रोल की खुशबू किस किस को पसंद है। मेरे को तो भाई बहुत अच्छा लगता है पेट्रोल का खुशबू। जब ये कोल्ड स्टार्ट होता है ना, वार्म अप होता है, तब बहुत ज़्यादा पेट्रोल का स्मेल आता है। तो चलिए गाइज अभी हम धीरे धीरे निकलते हैं। सो गाइज एक्चुअली मैं जा रहा हूँ केतन के घर। एक्चुअली वो मेरे घर ही आने वाला था, बट उसने मुझे कॉल किया कि उसके बाइक का पंचर हो गया, तो उसने बोला कि पिक करने के लिए उसको। तो मैं जा रहा हूँ अभी उसके घर। एक्चुअली जैसे कि कल मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है एंड उससे एक हफ्ता पहले मेरा वॉच टाइम भी कम्प्लीट हो चुका था, तो इसीलिए आई एम एलिजिबल फॉर मोनिटाइजेशन नाउ। तो उसको मैंने बुलाया कि तू मेरा थोड़ा हेल्प कर दे। गाइज यार संडे के दिन भी जाम, देखो दोनों साइड से बाइक्स रख दिया है लोगों ने। सो गाइज़ कल का वेदर कैसा था एंड आज का वेदर देखो कैसा है। कल भीग भीग के सरस्वती पूजा को एंजॉय किया। अगर आज के जैसा कल भी वेदर होता तो कितना मज़ा आता, कितना मज़ा आता। लेकिन टाउन पे कल भी बहुत ज़्यादा जाम था। मुझे ऐसा बिल्कुल भी लगता नहीं कि बारिश की वजह से कोई घर पे बैठा होगा। सब बाहर थे, इतना जाम था टाउन पे। बेसिकली सबसे ज़्यादा जाम था जी.सी. कॉलेज में एंड रामानुज के सामने। ओहो भाई साहब, इतने लोग थे। और इंडिकेटर दिया जाते बार उसने। क्या आदमी है यार, इंडिकेटर बिना दिए इधर कट कर लिया। ऐसे लोगों की वजह से ही ना सिलचर में एक्सीडेंट होता है। अजीब इंसान है यार, बिना इंडिकेटर दिए कट मार दिया, फिर भाग भी गया। और मैंने जितना नोटिस किया उसका शायद लेफ्ट वाला इंडिकेटर भी है नहीं, सिर्फ राइट का है। ऑलमोस्ट उसके घर के सामने आ चुका हूँ, तो उसको मैं अभी कॉल करता हूँ। गुड मॉर्निंग। चल चलते। तो गाइस केपी मिल चुका है एंड चलिए चलते हैं। दुकान से लिया। गाइस बहुत महंगा है केपी, बहुत ज़्यादा महंगा है। हाँ तुलसी बेस्ट कॉम्बो। तू भी ढूंढ ले तुलसी नाम का, किसी बंदी को ढूंढ ले तू। तो गाइस चलिए चलते हैं अभी। आपकी कसलाम गाड़ी हॉर्न देखो। गाइस इस गाड़ी का एक बार हॉर्न चेक कीजिए। मारो बा, मारो। तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? ओहो मोनेटाइजेशन के लिए क्या कर रहे हो? और ये लोग मोनेटाइजेशन के लिए लेके जा रहा था इसको। कहाँ लेके जा रहा? मेरे घर में धप्पा हो गया। अच्छा हुआ तू भी आया, सही है। चलो चलो अभी मैं समझा। सही हो सही हो, ठीक है। टाइम मेरी तो तुम लोगों को कॉल करने में, मैं सोचा घर पे जाके तुम लोगों को कॉल करूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। आपका जाइए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बताएंगे। टाइम टाटा। ओहो ये तो धप्पा हो गया। ओ भाई भाई भाई, मुझे लगा नहीं था ये दिन भी आने वाला है। मैं अचानक इसको देख के शौक हो गया। तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं। इस जगह को मैं रेगुलरली YouTube पे देखता था। हाँ फेमस हाउस, फेमस गेट एक्चुअली, फेमस फेमस गेट। गाइस अभी वो लोग आ चुके हैं। तुमरा कहने आईसो कौसाई ना ना, तुमरा कहने आईसो ए तू यो नहीं, तुमरा कहने केपी को मैं कॉल करने वाला था और केपी आ गया। देखो गाइस, जो सोचा वही हो गया हमारे साथ। একটা জিনিস দেখাই দিমু সিং ওই বিরুন নাই দেখি ঠিক আছে কত জন বড় বড় দুইজন এ মা বিরুন দাও। सो गाइस हम प्रांतिक के रूम में जा रहे हैं। स्टार स्टार सुपरस्टार। ओ यहां पे मैजिक मैजिक हैपेंस। ये रूम पे मैजिक हैपेंस। ये रूम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मैजिक हैपनिंग। यप माय 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 शोगर भाई वन क्या कैसे तुम्हारा अचीवमेंट। सो गाइस हम ये केक लेकर आए, ये रहा शोगोतो और मुझे नहीं पता था कि इतने लोग आएंगे। और सिर्फ पहले तो सिर्फ हम दो ही आ रहे थे। हाँ पहले हम सबके कांटेक्ट ढूंढ रहे थे और हमें कोई मिल नहीं रहा। अच्छा कोई होगा। कैसा फील हो रहा है? अभी मैं बोलने के हालत में नहीं हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। देखो बर्थडे तो हर साल होता है, हर साल केक काटते हैं बर्थडे का, लेकिन ये चीज का केक मैं पहली बार काट रहा हूँ। एग्जैक्टली। होप सो ऐसे ही आगे बढ़ते जाए एंड 10,000 का भी केक काटे एंड इसी तरह 100K का भी काटे एंड इसी तरह मिलियन का भी काटे। एकदम फुल सपोर्ट। थैंक यू। नहीं अभी क्या करना है, अभी पहले जाते हैं, पहले मोनेटाइजेशन करते हैं, वरना ये सब नहीं आने वाला। तो छोड़ के आए हैं, हां हम लोग आधा छोड़ के आए। चलो अपन अभी मुक्ति मीटर शूट करते नहीं। सो गाइस हम लोग अभी इधर पे थोड़ा मतलब पार्टी वार्टी चल रहा है एंड मेक सम नॉइज गाइस। ये अभी बड़ा यूट्यूब चैनल है हमारा, ठीक है अभी छोटा मोटा नहीं समझने का। एंड इधर पे मेरा भी चल रहा है, इधर पे हम लोगों ने प्रोसेस के लिए अप्लाई कर दिया है, मोनेटाइज हो जाएगा, हो जाएगा ना, और 24 घंटे के अंदर मोनेटाइज हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा। जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक ये वाला चैनल मोनेटाइज हो चुका है, हो चुका होगा। तो ठीक है अभी इधर पे पार्टी चल रहा है, ठीक है सर। खाली कलरटा बदली तो ना नी, भीतर कलरटा खाली बदली था। ठीक है से खाओ खाओ, ओए तो मोटा है फिर हम खा दे वाला। सो गाइस अभी यहाँ पे केतन चला जा रहा है एंड मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए इसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। एंड ये हाथ है वो कैमरा, ये अगर मुझे ये कैमरा नहीं देता तो शायद काफ़ी सारे लोग मेरे से जुड़ते नहीं, मेरे को जानते नहीं, क्योंकि मैंने मोटो व्लॉग किया ना, तो उस वजह से भी मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच भाई फॉर गिविंग दिस। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ऐसा मेरा एक ऐसा मानना है कि अगर ग्रो करना ही है तो सबको लेके, मेरे पास अगर ऐसा एक चीज़ है जिस जो किसी और को हेल्प कर सकता है तो क्यों ना हेल्प किया जाए। बिल्कुल, मैं पहले भी हेल्प किया था, नाउ आई एम सीइंग दैट भैया को और ज़्यादा ज़रूरत है तो अभी भैया को हेल्प कर रहा हूँ। और जब वो ग्रो कर जाएंगे, वो उनका जब खुद का आ जाएगा तब तो और किया ही है ना। आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, वही कुछ कर नहीं सकता, हर प्लेटफॉर्म पे आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। एनीवेज देखेंगे बाद में, ठीक है चलो बाय बाय। सो हे गाइस मैं अभी सौगत के घर आ चुका हूँ किशोर के साथ। एंड मैं एक्चुअली लास्ट के कुछ मिनट्स इस वीडियो के मैं इन दोनों भाइयों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जो सपोर्ट मिला है मुझे इन सब से। तो शुरू करेंगे, ये देखो। सो गाइस हम लोग अभी राजा महाराजाओं की तरह बैठ चुके हैं एंड मैं पहले शुरू करना चाहूंगा सौगत से। इसका एक बहुत बड़ा हाथ है एक्चुअली मेरा यूट्यूब चैनल शुरू करने का। सो पहले क्या हुआ, एक दिन मैं जिम से क्रॉस कर रहा था तो अचानक मुझे ये दिखा रास्ते में एंड ये इसका हार्ली चला रहा था। तो मैंने बोला कि चलो मैं इसका एक बार मतलब एग्जॉस्ट नोट जो होता है उसको एक बार शूट कर लेता हूँ। तो मैं शूट कर रहा था, ये रेफ कर रहा था एंड बीच में मेरा एक कॉल आ गया। तो जब कॉल आता है तो क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। फिर मैंने बोला इसको कि तो एक और बार रेफ कर, तो उसको मैं शूट कर लेता हूँ। तो उसको मैंने शूट किया, फिर मैं स्टोरीज वगैरह में मैंने सोचा इसको डालूंगा। फिर देखा कि थोड़ा थोड़ा करके आया ना, तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब कोड स्टार्ट का सेपरेट आया, फिर रैप का सेपरेट आया। तो मैंने क्या किया, मैंने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर खुला तो उसमें मैं एडिट करने बैठ गया। फिर मैं क्या किया, दोनों क्लिप को एक साथ मार्च किया, फिर मुझे काफी अच्छा लगा सुनने में। तो क्या किया मैंने, उसको एक थोड़ा सा और मॉडिफाई करके मैंने ये यूट्यूब पे छोड़ दिया, मतलब ऐसे ही मस्ती के लिए छोड़ा। वो वीडियो अभी भी मेरे चैनल पे है, मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा, एक बार जाके वो भी देख लेना। आई थिंक 2 मिनट का ऐसा कुछ का है, जैसे फन के लिए डाला था। तो ये बोल रहा है आप एक काम क्यों नहीं करते, आप एक बार पूरा अच्छे तरीके से वीडियो बनाओ फिर यूट्यूब में छोड़ो। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये बोल रहा है एक बार व्लॉगिंग ट्राई करके देखते हैं। फिर जाके हम लोगों ने व्लॉगिंग शुरू किया। तो उस दिन के बाद ऐसे मेरा यूट्यूब चैनल का मतलब व्लॉगिंग का जर्नी शुरू हुआ। फिर उस दिन मैंने हार्ली डेविडसन का एक टोटल मॉडिफिकेशंस का वीडियो बनाया था कि क्या क्या मॉडिफिकेशन था। एंड उस वीडियो में आप देख ही सकते हो कि मेरा मतलब प्रेजेंटेशन कैसा था, मैं कैसा बोल रहा था। भाई इतना नर्वस था। मैं इसको बोल रहा था तू एक काम कर, तू बोल दे, मैं कैमरा पकड़ता हूँ। फिर ये बोला नहीं प्रांतिक भैया आप एक काम करो, आप सामने रहो, मैं कैमरा पकड़ता हूँ, आप बोलो। फिर बहुत मतलब थोड़ा मतलब ऐसे वैसे करके गड़बड़ हुआ। फिर ठीक है चलो कोई नहीं, फिर वो वाला वीडियो यूट्यूब में डाला। बहुत लोगों ने मुझे प्यार दिया एंड बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। फिर इसने भी मुझे पुश किया कि आपको तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप इसको कंटिन्यू करो, कुछ और ट्राई करो और व्लॉग्स डालो। फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे शुरुआत हुआ। तो ये था सौगत का कहानी। अभी किशोर आजा यो। So guys, अभी किशोर आ चुका है यहाँ पे एंड ये मुझसे ज्यादा फेमस है मेरे चैनल पे। एनीवेज हाँ, तो मैं पहले शुरू करना चाहूंगा ये बोल के कि मैं जो ब्लॉगिंग करता था पहले, मतलब किसी को कैमरा पकड़ने की जरूरत होती थी क्योंकि मैं किसी बाइक का रिव्यू कर रहा हूँ तो मुझे अच्छे से दिखाना पड़ता था। ऐसा मतलब अच्छा नहीं लगता था कि मैं एक हाथ से ऐसे पकड़ूं और ऐसे दिखाऊं। अगर कोई पकड़ता तो मेरे को भी देखे, मैं भी बाइक को मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था। अगर उस पर बैठता तो सब कुछ 360 दिखा पाता था। तो वो मतलब एक दोस्त चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं मेरे बाकी जो दोस्त थे वो मतलब ऑनलाइन क्लासेस चलता था उन लोग का, कोई दोस्त बाहर था, किसी का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो सिर्फ वेल्ले जो बेटा था वो ये बेटा था और हाँ मैं भी वेल्ला था, हम दोनों वेल्ले थे। तो मैं जब भी इसको कॉल करता था कि भाई तू फ्री है क्या, और हाँ तब हम दोनों इतने क्लोज नहीं थे। तो हम दोनों इतने क्लोज नहीं थे। मैंने जस्ट ऐसे ही कैजुअली इसको बोला कि भाई तू अभी क्या फ्री है क्या, तो इसने बोला हाँ भाई फ्री हूँ। और ऐसे करते करते मैं जब भी बोला कि तू फ्री है क्या, चलेगा क्या चलेगा क्या वीडियो करने, तो ये कभी मना नहीं किया। ठीक है, मेरे को एक चीज विश्वास हो गया कि ये हर समय वेला रहता है एंड मेरे को जब भी वीडियो बनाने का मन करता है ये मेरे साथ आ जाता था, कभी मेरे पीछे बैठ जाता था, कभी मेरे साथ साथ चलता था। तो हम दोनों ने ऐसे ही मतलब इसने मेरा सपोर्ट किया, धूप में खड़े रखे और इसने मेरे साथ वीडियो शूट किया। हाँ वो पता था कि ये पूरा कवर करके रखता था खुद को, गोड़ा गोड़ा चेहरे। तो हाँ तू कुछ बोलना चाहता था। हाँ मैं कह रहा था तब मेरी जस्ट न्यू बाइक थी, मेरी 4-5 महीने कम्प्लीट हो गए थे मेरे बाइक के, और तब मेरे अंदर वो जोश था कि मुझे निकलना है राइड में ऐसा ऐसा। एक्चुअली सबसे पहले जब हमारा मिलना हुआ था हमने एक राइड किया था, है ना। हमने एक राइड किया था हमारे उस राइड के बाद के दिन ही मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था। उससे पहले दिन मैंने शूट कर लिया था बट उसके बाद के दिन हम लोगों ने पहला वीडियो अपलोड किया था एंड मैंने उसको बोला था कि भाई ऐसा ऐसा मेरा यूट्यूब पे चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना एंड कल मेरा एक पहला वीडियो आने वाला है, उसको जरूर से जाके देखना। तब ये मेरे लिए पूरा अजनबी था। वो ये मुझे बोलता था कि शूट करने आएगा कैसा, तो मैंने कभी इसको सीरियसली इतना कभी लिया नहीं। मुझे लगता था, मैं खुद नहीं लेता था, मुझे लगता था ठीक है इसका कुछ शौक होगा। तो ये मुझे बोलता था कैमरा हैंडल कर ले, ये पकड़ ले, तो मैं भी बोलता था ठीक है। हाँ, फिर शूट में जाने के बाद पता चला कि इसको भी मतलब फोटोग्राफी ऐसा वीडियोग्राफी के बारे में थोड़ा नॉलेज है, थोड़ा आइडिया है, ये भी मतलब थोड़ा पैशनेट है इस चीज को लेके। हाँ फिर तो ये ग्रो करते गया, मैं भी धीरे धीरे देखा क्या ग्रो कर रहा है ये, तो मुझे भी लगा कि फिर मैंने भी धीरे धीरे मतलब इसकी चीज को सीरियसली लिया। ऐसे ही आज हम 1000 पे बैठे हुए हैं। तो फिर मैं जब देखा ये ग्रो कर रहा है तब मैं इसको बोलता भी 50 रुपए काट रहे का। ऐसे बात कर वैसे बात कर और भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ ये भी मुझे बहुत सारा सजेशंस फीडबैक देता रहा एंड जितने भी सारे हैं मेरे दोस्तों सबने मुझे फीडबैक्स दिया। एंड हाँ मैं अभी एक और मेरे एक छोटा सा भाई है, आज मैं उसको बिना मेंशन किए रह नहीं पाऊंगा। एक मेरा छोटा सा भाई है, ठीक है, वो मेरे जिम में था, हम लोग एक साथ जिम करते थे। तो वो एक दिन क्या हुआ, कुछ महीनों पहले मेरा एक दिन 4 से 5 सब्सक्राइबर ना कम गया था। ठीक है, मतलब ये थोड़ा YouTube का ग्लिच होता है कि ऑटोमेटिकली आपका सब्सक्राइबर कम दिखाता है एंड थोड़ा टाइम बाद वो वापस से इंक्रीज हो जाता है, बैक टू नॉर्मल हो जाता है। वो ग्लिच अभी तक है, वो मतलब अप डाउन होता रहता है। तो उसने एक दिन देखा कि मेरा सब्सक्राइबर काउंट जो है वो 4 सब्सक्राइबर ड्रॉप हो गया। सडनली मेरे को वो मैसेज किया कि भैया ऐसा ऐसा आपके सब्सक्राइबर डाउन हो गया, आप टेंशन मत करो, मेरे रहते हुए ना आपका सब्सक्राइबर कभी भी डाउन नहीं हो सकता। फिर उसने क्या किया, मेरे को मैसेज किया थोड़ी देर बाद कि भैया मेरे घर में ना मेरा मौसी और उनके मतलब बच्चे आ रहे हैं, मैं एक काम करूंगा उन सारे के मोबाइल से मैं ना आपको सब्सक्राइब कर दूंगा। फिर क्या हुआ, उसने आई थिंक 5 या 6 सब्सक्राइबर्स इमीडिएटली विदिन 1 और 2 मिनट्स उसने मेरा बढ़वा दिया। फिर बोला कि मेरे को स्क्रीनशॉट भेजता है कि भैया अभी देखो भैया मेरे रहते हुए, मैंने बोला ना आपका सब्सक्राइबर कम हो ही नहीं सकता। फिर हाँ तो वो चीज मेरे को मतलब बहुत खुशी मिली कि कोई है मेरे साथ, मतलब सिर्फ 1-2 नहीं है, काफी लोग है मेरे साथ। तो आज मैं उसका नाम लेना चाहूंगा, तो his name is Satyam. So Satyam, if you are watching this, thank you very much for supporting me like this. And हाँ support करता रहे भाई ऐसे ही मेरे को। And हाँ यही बात है। So guys, इसी के साथ मैं इस आज के इस 1K स्पेशल वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। So मुझे Instagram पे ज़रूर फॉलो कर देना, आईडी आ रहा होगा एंड इसका भी Instagram का आईडी आ रहा होगा, कोई मेरा देगा क्या, Instagram ID पॉपअप हो रहा होगा। So with this guys, let's end this vlog right here, right now. So bye bye guys, stay safe and peace out. Peace out.